हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ बिहार शिक्षक सामान्य टेस्ट का टेस्ट वन। तो ये वो वाला टेस्ट है, फुल टेस्ट जनरल नॉलेज का, जिसके मार्क्स कट ऑफ में जुड़ने वाले हैं। मतलब जिस एग्ज़ाम से मेरिट बनेगी या कट ऑफ बनेगी, तो ये वो वाला पेपर है। और जो दूसरा पेपर था जिसके मार्क्स नहीं बने, जिसमें 30% मार्क्स लाने हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। उसमें मार्क्स भी ठीक ठाक आ रहे हैं और 30% तो हम सब ला सकते हैं ना। तो मैं सेकंड पेपर के आपके साथ स्कोर शेयर कर रही हूँ। बट यस, मार्क्स दिखाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये टेस्ट पेपर मैंने कोई भी तैयारी के साथ नहीं दिया, बस जर्नली पेपर के पैटर्न को समझने के लिए मैंने टेस्ट दिया था कि पेपर का पैटर्न कैसे है, किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं या किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, और जैसे 5 ऑप्शंस हैं तो क्या है। तो सिर्फ मैं इससे बस पैटर्न समझ रही थी, मैंने कोई तैयारी नहीं करी, कोई स्पेसिफिक पढ़ाई नहीं करी थी। तो इस तरीके से मैंने एग्ज़ाम दिया था, जस्ट मैं दे रही थी। तो देखो, इसमें मेरी जो रैंक है 22,000 बच्चों में से 23,000 बच्चे आप मान लो तो 3,206 है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा बुरी है। और कट ऑफ है इसकी 68-70 जनरल कैटेगरी के लिए, तो मेरी कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुई है। आप लोगों ने देखा कि स्कोर सिर्फ 67.5 है, ठीक है, तो नंबर बहुत कम है, रैंक भी बहुत ही ज़्यादा गंदी है। बट यस, आप धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। आप जल्दी से जल्दी टेस्ट लगाने हैं, और जो भी हमारी प्रॉब्लम है, जो नहीं आ रही चीज़ें, जो हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अभी मुझे यहाँ से इसका रिव्यू लेने पर पता चल जाएगा कि मेरे किन टॉपिक में प्रॉब्लम है, कहाँ गड़बड़ है, तो मैं उन पर वर्क करूँगी, फिर मैं दोबारा टेस्ट दूँगी, जैसा मैंने KVS में करा था। क्योंकि ये चीज़ ना मेरे को बहुत हेल्प आउट करी थी, और एक अभी एक महीने से भी ज़्यादा कम टाइम बचा है, ठीक है, एक महीने से भी कम टाइम है। इसमें सिलेबस लेके बैठूंगी तो ऐसा लगेगा कि ये भी नहीं आता। जैसे अच्छा है जो हमारे वीक एरियाज़ हैं उन पर थोड़ा सा वर्क कर लूँ, ये चीज़ मेरे लिए थोड़ी सी सही रहती है। देखो, परसेंटाइल है 85, एक्यूरेसी 74%, करेक्ट क्वेश्चन है मेरे 74, ठीक है। मैंने 20 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट ही नहीं करे थे, यानी 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, सॉरी 120 क्वेश्चन है ना, तो 100 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट करे थे, जिसमें से मेरे 74 सही थे और 26 गलत हुए। तो वैसे अगर इसमें दिखे तो मैं सब्जेक्ट वाइज नहीं इन्होंने दिखा रखा, अदरवाइज मैं आपको दिखाती। मेरे रीजनिंग में 2 क्वेश्चन गलत थे, मैथ्स में 1 क्वेश्चन गलत था, ठीक है। तो मैथ्स और रीजनिंग ठीक ठाक नंबर बन जाते हैं, बट नंबर मेरे इतने कम कहाँ हुए हैं, तो वो सब्जेक्ट है साइंस, ठीक है। साइंस मेरी बहुत ज़्यादा वीक है, और वीक रहने का यही है कि मेरे को ना साइंस पढ़ने में अच्छी नहीं लगती, मतलब मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं आता, बिल्कुल मज़ा ही नहीं आता। जो जैसे फिजिक्स होता है, जो करने वाले न्यूमेरिकल होते हैं, वो तो मैं कर लेती हूँ, बट थ्योरी बिल्कुल नहीं समझ आती। साइंस को बिल्कुल पढ़ने में मतलब इंटरेस्ट नहीं आता, मैं पढ़ने भी बैठती हूँ ना तो बोर लगता है, इसलिए मैं पढ़ती ही नहीं, ठीक है। तो साइंस के नंबर मेरे बहुत ज़्यादा कम है, बाकी सारे सब्जेक्ट ठीक ठीक है, और हिस्ट्री भी ठीक है, सिविक्स के क्वेश्चंस भी इसमें ठीक ही थे। और तो मेरे को इस टेस्ट से ये पता चला कि स्पेसिफाई ना भी मुझे साइंस पर वर्क करने की ज़रूरत है, तो मैं अभी स्टार्ट करूँगी BPSC की साइंस की बुकें पढ़ूँ। 6-7 तो हो गई है, बट आगे ही मेन है 8th, 9th, 10th की, और जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं बहुत अच्छे अच्छे, इसमें से वहीं से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो अगर देखो आपको दिखेगा ना वीक, तो मेरे को देखो जूलॉजी, बॉटनी, इकोलॉजी, तो ये सारा साइंस का ही है, साइंस का ही बहुत वीक दिखेगा। सच्ची बताऊँ तो साइंस के क्वेश्चन मैंने ठीक से पढ़े भी नहीं थे, बस ऐसे ही आंसर लगा दिए थे, जो छोड़ने थे वो साइंस के ही छोड़े थे, बाकी तो ठीक है। और आप भी मेरे को अपने साथ अपने मार्क्स ज़रूर शेयर करो कि फर्स्ट टेस्ट में आपके मार्क्स कितने थे, ठीक है, आपके मार्क्स कितने आए। इसके बाद आपने सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टेस्ट बहुत सारे बच्चों ने दे दिया होगा, क्योंकि बहुत बच्चे बहुत एक्टिव हैं, तो क्या आपके मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं या मार्क्स डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो अपना एक्सपीरियंस भी ज़रूर मेरे साथ शेयर करीजिए। और इसके साथ ही अगर आप मुझे कुछ टिप देना चाहते हो, या पढ़ाई से रिलेटेड, या कुछ भी एनीथिंग, आप लोग मेरे साथ बहुत इजीली बहुत आराम से शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे को भी मार्क्स इंप्रूव करने हैं अब। बट नेक्स्ट टाइम जो मैं करूँगी ना, तो यही है कि कम से कम मैं 2 मार्क्स ही सही, बट मार्क्स मैं इंप्रूव करूँ, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे सॉल्यूशन देखो तो ये तो ठीक ही है, मैथ्स और रीजनिंग ठीक है, ये एक एक दो दो गलत है। इसके बाद ये देखो यहाँ से, ये जो है ना साइंस के क्वेश्चन, ये साइंस के क्वेश्चन गलत दिखेंगे, जितने भी दिखेंगे साइंस के क्वेश्चन गलत है, मैंने छोड़े हुए हैं, ये भी साइंस के ही है, तो साइंस में है थोड़ी सी प्रॉब्लम। बट ठीक है, वीडियो में वर्क करते हैं नेक्स्ट टाइम इसमें, और फिर नेक्स्ट टाइम आपके साथ शेयर करते हैं। आप लोग भी अपने मार्क्स ज़रूर शेयर करो।